हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मनाली टू रोहतांग पार्ट टू वीडियो। और इससे पहले का वीडियो बनाया था। अगर आप इसे देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रोड है और आसपास पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई दिख रही है। और अभी तक ऐसे सीन्स मैंने केवल मूवीज या सीनरीज में ही देखे थे। इन्हें रियली में फील करके मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ और बहुत अच्छा फील आ रहा है। वाकई में नेचर के करीब जाकर आपको जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर एकदम वाइट कलर की बर्फ की नदियां बह रही हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने ऊपर से दूध की नदियां बहा दी हैं। और बिल्कुल ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर सीन्स हैं। और मेरा तो मन कर रहा है मैं आँख ही बंद ना करूँ, बस इनको ही देखती रहूँ। लोग 4 बजे से उठे हुए हैं और मेरी आँखें बहुत थक रही हैं। एक मन कहता है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं इन सब सीन्स को मिस नहीं करना चाहती। पता नहीं मैं फिर कब इस प्लेस पर आऊँगी। और इतने ब्यूटीफुल सीन्स देख कर ही दिल खुश हो जा रहा है, तो मैं इनको जितना हो सके अपने कैमरे में कैद करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रोहतांग के और भी करीब पहुंच गए हैं और आपको हमारे आसपास बर्फ नज़र आने लगी है। तो रोड पर भी काफ़ी बर्फ दिखने लगी है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी प्लेस पर जब भी मैच की शूटिंग हुई थी और इसी जगह पर करीना कपूर के गाने की शूटिंग हुई थी, जो कि आप मूवीज़ में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए सोलंग वैली में जाएंगे और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आकर ही पैराग्लाइडिंग करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक बार आइस में एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ और ये भी एक अलग तरह का रोमांचक एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। तो लीजिए फ्रेंड, हम लोग रोहतांग तक पहुंच गए हैं और यहां तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लगा। हम 9:30 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी 11:30 का टाइम हो चुका है और गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइनें यहां लगी हुई हैं और काफ़ी देर हो गई यहां आते आते हमको। तो बर्फ़ को इतने करीब देखकर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं कार से उतरकर थोड़ी सी बर्फ़ तोड़कर लेके आई और उसको अपनी बेटी को दिया, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी। तो बहुत से लोग कार में बैठे बैठे ही आसपास की बर्फ़ को टच करते हुए जा रहे थे, क्योंकि जो बर्फ़ की दीवारें हैं बिल्कुल कार के पास तक आ रही थी। तो मुझे पहली बार बर्फ टच करके इतना अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज रियल में मैंने बर्फ़ को टच किया है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जब मैं रियल बर्फ़ में जाऊंगी और वहां जाकर भाग दौड़ करूंगी, तो मुझे कितना अच्छा लगने वाला है ये सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे तो यूँ लग रहा है कब मैं बर्फ़ में उतरूँ और वहाँ जाकर भागने दौड़ने लगूँ, इतनी सारी बर्फ़ देख कर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। तो देखिए, आप देख सकते हैं आसपास कितनी सारी बर्फ़ है और पूरी रोड के आसपास बर्फ की बर्फ़ जमी है और रोड पर भी काफ़ी सारी बर्फ़ है। तो फ्रेंड, ये वही रास्ता है जहाँ पर जब भी बैड मूवी में करीना कपूर गाड़ी में बैठकर गाना गाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और बहुत सुंदर सीन दिखाए जाते हैं। तो सेम वैसा ही फील आ रहा है मुझे, और मुझे भी लग रहा है मैं गाड़ी से उतर कर करीना कपूर की तरह गाना गाऊँ और गाड़ी के ऊपर चढ़कर इस बर्फ़ को फील करूँ। तो काफ़ी देर तक चलने के बाद भी गाड़ियां बीच में ही फंसी हुई हैं और सारी गाड़ियां लाइन में बहुत धीमी धीमी चालते चल रही हैं, तो लोगों से रहा नहीं जा रहा था। तो जहां भी बर्फ़ दिख रही थी लोग वहीं उतर कर बर्फ़ में खेलने लगे, क्योंकि तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। लेकिन हमको जिस पॉइंट पर पहुँचना था वो 280 शॉप नंबर
के पॉइंट पर पहुंचना था, वो काफ़ी दूर था, तो हम भी बीच में उतर कर बस में खेलने लगे और वहीं पर अपने फ़ोटोज़ खिंचाने लगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड पर कितनी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। तो यहाँ पर बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीछे बस के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पिक्स आते हैं गाइस। और यहाँ पर सब लोग खेलने में लगे हुए हैं और मैं सोच कर आई थी कि मैं बस में जाकर बहुत उछल कूद करने वाली हूँ और इधर उधर दौड़ भाग ज़रूर करूँगी, लेकिन गाइस बस में चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चल जा 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 नीचे जा जी और नीचे जा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, मुझे चलने में काफ़ी थकान हो रही है और मेरी बेटी भी काफ़ी थक गई है और उसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे लोग थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी और बहुत से लोग तो कितनी बार वॉमिटिंग कर चुके थे, क्योंकि गाइस जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती और थोड़ा सा चलने पर या भाग दौड़ने पर ही हमें काफ़ी थकान हो जाती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हम लोगों ने भी 3 एक्टिविटीज़ के पास लिए थे जो कि हमको यहीं पर करनी थी, लेकिन मेरी बेटी ने जो टिकट लिए थे उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उसके हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे, उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। पर फ्रेंड्स यहाँ तक आते आते बेटी की तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मेरी भी तबीयत थोड़ी बीच में बिगड़ गई थी, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुँचे। पर मेरी बेटी के हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे तो वो वापस चलने के लिए बोल रही थी, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं ली थी और हमने केवल 3 एक्टिविटीज़ ली, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी जगह आना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह पर पहुँच कर ही पता चलता है कि बच्चे उस वेदर को झेल सकते हैं या नहीं। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिविटी के पास ले लिए थे, लेकिन उसे काफ़ी ठंड लग रही थी तो हम जल्दी जल्दी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके यहाँ से निकल लिए। अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और मुझे बीच बीच में चक्कर भी आ रहे थे। ऊपर तो नहीं चला गया? मेरी बेटी से सर्दी बिल्कुल सहन नहीं हो रही, तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं, पर मैं जितना सपोर्ट किया थी उसने मजे नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको एडवाइस करूंगी, अगर आपके बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो आप ऐसी जगह आना अवॉइड करें, जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हों तभी आप ऐसी जगह आएँ, क्योंकि हम लोग भी इतने सालों से यहाँ पर घूमना अवॉइड कर रहे थे क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी और मुझे पता है वो सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर घूमने नहीं आए थे। तो यहाँ पर हमको ये टायर वाली एक्टिविटी करनी है, लेकिन मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया, उसे काफ़ी ठंड लग रही थी और उसके हाथ ठंड से बिल्कुल गल रहे थे, तो बिल्कुल रेडी नहीं थी एक्टिविटी करने के लिए और बस वो जिद पर अड़ गई थी जल्दी से वापस चलो, तो हम जल्दी जल्दी अपनी सारी एक्टिविटी ख़त्म करना चाहते थे। उसके पापा उसको समझा रहे हैं कि हमें गिवअप नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटी बिल्कुल तैयार नहीं हो रही, उससे बिल्कुल भी रस्सी नहीं पकड़ी जा रही, उसके हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं, लेकिन फिर हमने जल्दी जल्दी ये टायर वाली एक्टिविटी की और बेटी कांपते हुए हाथों से हमारी वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्या क्या सोच कर आई थी कि बस मैं जाऊंगी तो ये करूंगी वो करूंगी, इधर भागूंगी दौड़ूंगी ये फोटोज खिंचाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बेटी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी और मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जितना यहाँ पर इंजॉय कर सकते थे वो कर रहे हैं।
तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पहली बार बस में आने का और पहली बार रियल बस को टच करने का एक अलग ही मज़ा था। मैं फिर से एक बार यहाँ पर आना चाहूँगी और फिर से दूसरा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। इस बार तो पहला एक्सपीरियंस था, बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी और बेटी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आकर यहाँ पर एक बार फिर अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी। मैं पता नहीं क्या क्या सोच कर आई थी, पर मैं इतने कम टाइम में यहाँ से वापस जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया। तो हम प्लेन्स में रहने वाले लोगों को आइस में चलने की इतनी आदत नहीं होती और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया है और अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी लौटना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ये पहली बार था जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वरना मैं हर तरह के माहौल को झेल लेती हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ और हर तरह की एक्टिविटी करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए बहुत इंजॉय किया। तो चलिए गाइस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।